अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो पाक एक्सक्लूसिव टीवी। 12 साल के बाद कराची में मौसम बहुत गर्म हो गया, 42 डिग्री तक दर्जा हरारत पहुंच गया। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी बढ़ेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये शॉर्ट ही व्यू समझा जा सकता है, क्योंकि समुद्री हवाएं दिन में बंद रहती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत बढ़ गई है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है एहतियात। आप घर से निकलते हुए एहतियात करें और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मार्च के महीने में आमतौर पर इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन इस साल 12 साल के बाद गर्मी बहुत बढ़ रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी बढ़ेगी। ये है महकमे मौसमियात की वार्निंग। महकमे मौसमियात का कहना है कि ये हीट व्यू की एक शक्ल है जो शॉर्ट है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप घर से निकलते हुए पानी की कम से कम एक बोतल अपने साथ रखें और कोई ऐसा कपड़ा साथ रखें, छतरी रखें, ताकि आप उससे बच सकें और गर्मी आपको ना लगे, क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं। अपनी जान की हिफाजत करें और गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें। कराची में इतनी गर्मी हो गई है जो आमतौर पर जून जुलाई में होती है। 2 तारीख से रमज़ान भी शुरू हो रहा है और रोज़े महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार गर्म होंगे, और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप लोग गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और ऐसी जगह ना जाएं जहां गर्मी ज़्यादा हो। कोशिश करें, एहतियात करें, पानी ज़्यादा पिएं, ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे गर्मी ना लगे। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी, देखते रहें पाक एक्सक्लूसिव टीवी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी बहुत बढ़ गई है, एहतियात करें और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। अगर दफ्तर जा रहे हैं तो सुबह एहतियात करके जाएं और वापसी पर भी एहतियात करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।